हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपीसी पीसीएल का जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, उसके बारे में बात करेंगे कि उसका क्या रिज़ल्ट रह सकता है, कैसा उसका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, रिज़ल्ट डेट क्या होगा, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको बार बार पूछ रहे थे कि इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और देखिए, जो बैकग्राउंड आपका आवाज़ आता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी कहीं और हूँ बाहर में, सो उस कारण से बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आ सकता है, सो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगूँगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। यहाँ हम देखेंगे जो कि आपका एज लिमिट है वो 18 मिनिमम था और जो मैक्सिमम था वो 40 था, ठीक है। और जो आप पोस्टों की संख्या आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 245 थी, ओबीसी के लिए 164, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 127 और एसटी के लिए 12 थी, ठीक है। टोटल 608 सीटें थी, जिसमें कि आपका 10th मांगा गया था और आपका मैथमेटिक्स बोला गया था, साइंस और मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में, और आपका भी तो आईटीआई होना चाहिए, जो कि आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। जो ये आपका मैंने क्राइटेरिया बता दिया। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें जो कि बार बार पूछी जाती हैं, उसमें आपका है क्या कि आपका जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देखेंगे वो चीज़, ठीक है। जो आपका पहले तो सीटों की संख्या मैंने बता ही दी थी, उसके देखिए नॉर्मलाइजेशन का, ये नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन बार बार आता है मेरे सामने कि नॉर्मलाइजेशन सर होगा कि नहीं होगा, तो कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। आपको बताया जाए कि प्रथम और द्वितीय भाग जो भी दो भागों में पेपर हो रहा है दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिख दिया हुआ है, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आएंगे, होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो कि आपका कंप्यूटर का जो पेपर है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा, और कंप्यूटर का देखिए आप 59 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, एक चौथाई आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मानते हैं कि आपका 50 में से अगर 20 नहीं आ पाता है तो दूसरा जो पार्ट है वो आपका चेक नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप जान लीजिए कि 50 में से जो 20 है ना, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मेरिट लिस्ट में भी इसका नंबर नहीं जुटने वाला है, ठीक है। या तो आप 40 भी लाइएगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप 21 लाइएगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है, क्वालिफाइंग ही नेचर है। अब याद रखिएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता है 16 17 18 और 19, इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है, बाकी कोई भी बच्चे अगर उससे कम नंबर है तो बिल्कुल उतने नंबर बढ़ेंगे नहीं। आपके 50 नंबर के पेपर में आपके चार से अगर 3 नंबर ही बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, कहने को तो बहुत लोग कह देते हैं 6-6 नंबर बढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ते हैं, वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ठीक है। जो 16 नंबर अगर आता है तो आपका एक्यूरेसी है, ठीक है, और अगर आपके अटैम्प्ट्स भी वैसे ही हैं कि अटैम्प्ट्स कम लिए हैं और एक्यूरेट ज़्यादा हैं, तो आपके अगर 16 नंबर आते हैं तो बिल्कुल क्लियर कर जाइएगा ईज़िली, कोई आपको टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और अटैम्प्ट आपके ज़्यादा हैं तो उस केस में आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते हैं, अगर 16 नंबर है तब भी, ठीक है। तो ये तो दोनों चीज़ें मैटर कर जाती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का एक फंडा होता है कि आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, आपने 30 क्वेश्चन किए और आपको 30 में से आपको जो मिले हैं नेगेटिव वो कम है, आपके पॉजिटिव ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन बी सी किए हैं, ठीक है, उसमें से मान लीजिए आपके 16 मतलब जो भी 18 क्वेश्चन सही हो गए हैं और जो गलत हैं 2 क्वेश्चन हैं, तो आपको जो फ़ायदा होगा ना नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर कर जाती है वहाँ पर अटैम्प्ट्स के साथ साथ। सो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा आएगा वहाँ पे आपको एक्यूरेसी और अटैम्प्ट्स दोनों काउंट होते हैं, तो प्लीज़ ऐसे आप इलॉजिकल तरीके से आप अटैम्प्ट्स ना लें, आप लॉजिकली अटैम्प्ट्स लें जो कि आपको बिल्कुल इंश्योर हो कि सही है, या दो में डाउट हो तब भी आप अटैम्प्ट्स लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो द्वितीय भाग था, द्वितीय भाग में आपको समान अध्ययन था जिसमें तार्किक था, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस थे, उसके समान हिंदी था जो कि 15 क्वेश्चंस थे 15 मार्क्स के, और उसके समान अंग्रेजी था 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। उसके बाद आपके ट्रेड से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस थे 150 मार्क्स के, टोटल 200 नंबर का पेपर था, ठीक है। 33.5% नंबर आपको लाना अनिवार्य था इसमें, अन्यथा आपको मतलब अगर आपका कटअप भी क्लियर होता है तब भी आपको लिया नहीं जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए, यानी आपके 67 मार्क्स आपके लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो आपका बताया जाता था हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। उसके बाद आपका
जो 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, उससे मेरिट बनेगा। जो मेरिट पहले नंबर, पहले जो पेपर हुआ था कंप्यूटर का, वो नंबर नहीं जुटेगा, उससे मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें जो लिखी आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पहले आप पॉइंट्स में देख सकते हैं, नीचे में लास्ट में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मानते हैं 19 और 20 मार्च में अगर आपका पेपर था, ठीक है, तो बच्चों के जो अटैम्प्ट थे, मान लीजिए जीके 20 क्वेश्चन थे, तो अटैम्प्ट थे जीके में 15 से 18 थे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा जो चीज़ें थी ना वो डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू आपके जो 26 के आसपास जो पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे। जो जीके के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे, उसमें अटैम्प्ट से 15 से 18 के बीच में बच्चों ने अटैम्प्ट लिए थे। अगर गेसिंग वर्क्स की बात करें, जिसमें कि हाँ 2 क्वेश्चंस में डाउट हो जाता है, लोग गेस कर लेते हैं, उसमें 2 से 3 होता है। तो मानते हैं अगर 2 से 3 अगर क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, तो उस केस में जो ओवरऑल मार्क्स बनता है आपका 16 से 11 के बीच में बनता है, ठीक है। अगर हम मानते हैं, अगर आप सॉरी आप अगर हिंदी की बात करें, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन थे, अटैम्प्ट तो 12 से 14 के बीच में थे। अगर गेसिंग वर्क्स की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन का गेस वर्क था, तो आपका 11 से 8 के बीच में आपका नंबर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन थे, वहाँ पे अटैम्प्ट्स थे वो 10 से 12 ही जाते हैं अटैम्प्ट्स, तो इंग्लिश में थोड़े अटैम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो आपका गेस वर्क होता है वो 1 से 2 क्वेश्चन का होता है, इंग्लिश में जल्दी लोग गेस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये डाउटफुल भी नहीं होता है, कि वो सीधा गेस करना पसंद भी नहीं करते इंग्लिश में ज़्यादा, ठीक है बच्चे। सो आपका ओवरऑल मार्क्स आता है वो 10 से 7 के बीच आता है, ठीक है। अब जो मेन फैक्टर है वो है टेक्नीशियन, जो आपका पेपर होता है वो आपका ट्रेड का वो है, उसमें 150 क्वेश्चन थे, जो कि उस दिन के बच्चों के जो अटैम्प्ट जा रहे थे वो 95 से 105 से के आसपास थे, किसी 105 से ज़्यादा भी गए हुए थे, ठीक है। सो मैं इनकी जो एवरेज है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गेसिंग वर्स था वो 8 से 12 क्वेश्चन का हो सकता है, मतलब उसमें गलत भी हो सकते हैं 8 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो मतलब बनता है वो आपका 95 से 80 के बीच में आएगा, अगर 95 तब बनेगा जब आपका 105 अटैम्प्ट थे, ठीक है। तो आपका आप देखिए एक चीज़ हम देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं, अगर 19-20 की बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर नंबर हम सबका जोड़ देते हैं तो 132 बनता है, 95 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 16 132 बनता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद हम मिनिमम अगर बात करते हैं तो 80 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम, तो ये आपका 106 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गया क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें आपका 27 और 28 का जो पेपर है, ठीक है, 27 और 28 मार्च का, उसमें क्या होता है, जो जीके के क्वेश्चंस थे उसमें देखिए 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 20 क्वेश्चंस में से आपका 17 से 19 मार्क्स आपके अटैम्प्ट्स में जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि आपका गेसिंग वर्स 2 से 3 का हम ले लेते हैं, ठीक है, उसमें 17 से 13 के बीच में आपके नंबर आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, अगर आप इतने अटैम्प्ट्स करते हैं और इतना गेस वर्क है तो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हिंदी का है उसमें 15 क्वेश्चन थे और उसमें जो अटैम्प्ट थे वो 12 से 14 थे, ठीक है, जो कि 1 से 3 तक आपके गेस वर्क थे, 1 या 3 क्वेश्चन के बीच में गेस वर्क थे। तो आपका जो ओवरऑल नंबर बनेगा वो 12 से 8 के बीच में बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का 10 से 12 के बीच में वही सेम होता है जो कि आपका पहले बताया गया है कि वो एवरेज जाता है, हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनका एवरेज ही जाता है इंग्लिश, तो गेस वर्क होता है 1 या 2 होता है, ठीक है। तो उस केस में जो ओवरऑल बनता है आपका 10 से 7 के बीच में बनता है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन के जो अटैम्प्ट होते हैं, मतलब टेक्निक जो आपका ट्रेड का जो अटैम्प्ट है, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जो 150 क्वेश्चन होते हैं, उसके अटैम्प्ट जो उस दिन थे, उस दिन 102 से 105 के बीच में थे, ठीक है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में गलती हो जाती है, ठीक है। और आपका ये देखेंगे कि जो आपका इस दिन का पेपर था वो थोड़ा इजी था, इसलिए अटैम्प्ट्स जो ज़्यादा गए हुए थे उस दिन, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में इसका फ़ायदा भी दिखेगा और नुकसान भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जो 26 और 27 और 28 का जो पेपर था वो थोड़ा इजी की तरफ ज़्यादा झुकाव था, ठीक है, मतलब इसमें आपका न्यूमेरिकल्स थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू पहले जो हुए थे 19 के पेपर में, जो 19 में हुए थे मार्च में, वो उनमें न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा थे 19 और 20 में, ठीक है। सो इसमें आपका जो ओवरऑल बनता है मार्क्स 103 से 89 के बीच बनता है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो 17 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 103, तो 142 जा रहा है। अगर मिनिमम को जोड़ दिया जाए 89 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 13, तो 117 बन रहा है, ठीक है। सो ये मैक्सिमम और मिनिमम आपके रह सकते हैं उस टाइम पे जब मैंने अटैम्प्ट काउंट किए हैं आपके, और जिसमें आपने गलती कर दिया होगा वो सब काउंट किया जाए तो,
ठीक है, आपके इतने नंबर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट आपका है मई के आपके फर्स्ट वीक या मई के सेकेंड वीक तक रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप कि आ जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ही बताया जा रहा है कि आयोग के द्वारा कि उस समय ही जो भी रिज़ल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा। अभी तो इस महीने तो होने वाला नहीं है, किसी भी हाल में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल आप भूल जाइए, जो मई है मई में आपके रिज़ल्ट आएंगे, सो प्लीज़ उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। आपके रिज़ल्ट आएंगे तो आपको पता चल जाएंगे, सो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ। अगर ऐसा कुछ हमें अपडेट मिलता है और भी कुछ कि हाँ कुछ आगे का, तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर देखिए जो मैंने मिनिमम मैक्सिमम बताया है 1920 में और 20 इसमें, उसमें देखिए मैंने कट ऑफ अभी इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वो आपका मैक्सिमम मिनिमम अटैम्प्ट्स थे। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ फ़र्क पड़ेगा, एक नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा। वो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि देखिए आपके एवरेज मार्क्स जो बच्चों के होते हैं उस पर नॉर्मलाइजेशन डिसाइड किया जाता है। तो मान लीजिए आपके शिफ्ट ईजी है तो ऑलमोस्ट बात है एवरेज मार्क्स आपके ऊपर जाएंगे बच्चों के, तो उस केस में क्या होता है नॉर्मलाइजेशन कम किया जाता है, दिया जाता है नंबर। और अगर आपके एवरेज मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा दिया जाएगा आपके शिफ्ट वाले बच्चों के। सो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है कि जो कि आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है, लेकिन अगले आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए जिससे कि आपको मैं बता पाऊँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी और नॉर्मलाइजेशन से पहले भी। सो उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द लाऊँगा जिसमें कि आपको नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को मैं डिफ़ाइन करूँगा कि कितना बढ़ सकता है किस शिफ्ट में और उसमें आपको कितने नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगर जो मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ वो बिल्कुल 100% ट्रू होगा, क्योंकि अभी तक का मेरा प्रिडिक्शन बिल्कुल 90+ मेरा जा रहा है, जो कि आपका जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें बिल्कुल सही साबित हुआ है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आके। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।